मैं हूं आप सभी का होस्ट और दोस्त विजय कुशाग्र और लेकर आ गया हूं आप सभी का फेवरेट वाला शो जिसका नाम है सिटी ट्रेंड्स ओनली ऑन हैथवे बीटीवी युवा, क्योंकि ये जमाना है वी द यंगस्टर्स का। वेल, हम सब चाहते हैं कि हमारा घर ऐसा हो कि अगर किसी की नजर पड़े तो बस नजर हटे ही ना, एक बार देखे तो देखता रह जाए। तो पहले के जमाने में अगर आप थोड़ा सा 10 साल या फिर 15 साल पहले जाएं तो एक घर को खूबसूरत बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स की जरूरत होती है? ऑफकोर्स एक अच्छी डिजाइन होनी चाहिए, अच्छा कलर होना चाहिए, अच्छा पेंट होना चाहिए जो बरकरार रहे लंबे समय तक और आपका घर खूबसूरत बन जाता था। लेकिन आज के जमाने में अगर आपने आपको अपने घर को और खूबसूरत बनाना है, उसके इंटीरियर पर ध्यान देना है, तो एक ऐसा एलिमेंट है जो सब लोग जिस चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और वो होती है लाइटिंग्स। तो वेल, आज आप खुद के घर को कैसे सजा सकते हैं, इंटीरियर लाइटिंग्स के बारे में आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। एंड ऑफकोर्स आई एम नॉट द पर्सन, क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है। आज हमारे साथ है इंटीरियर डिजाइनर एक्सपर्ट मिस्टर विक्रांत जी, जिनका स्वागत मैं करना चाहता हूं हमारे शो में। सर, जब हम इंटीरियर की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही चार दीवारी के अंदर एक बहुत बड़ा संसार होता है जिसमें आपको एक्सपेरिमेंट्स करना पड़ते हैं और बहुत नए नए चैलेंजेस आते हैं। तो वेल, आपके हिसाब से आज के ज़माने में इंटीरियर डिज़ाइनिंग एक्चुअली है क्या और किस लेवल तक पहुंच चुकी है? इंटीरियर डिज़ाइनिंग, हम गृह सज्जा बोलते हैं जिसे, बड़े सिंपल लैंग्वेज के अंदर। बहुत ही मतलब विषय ऐसा हो गया कि पहले इसको ऐसा लगता था कि एक कुशल गृहिणी ही उसे बेस्ट कर सकती है, पर यह पूरी पूरी तरह से टेक्निकल होता जा रहा है। जिस तरीके से हम रोज़ एक नए घर को देखते हैं और वो देखते हैं कि यार ये हर तरीके से अच्छा बना हुआ, हर तरीका मतलब वो होता है जिसके अंदर हमने कोने कोने को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया है, यूज़फुलनेस रखी है, वर्केबिलिटी रखी है, और साथ ही साथ हमने ये देखा है कि वो मतलब खूबसूरती में भी मतलब एक नए आयाम, नई चीज़ों को छूता हुआ दिखे वो। सर, जैसा हमने देखा है कि ये जो ट्रेंड है वो बहुत समय बाद आया है इंडिया में, और इंडिया में जैसे ही आया है तो लोगों ने इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो आपके हिसाब से कितने साल पहले एक ट्रेंड आया थी, एक लहर आई थी इंटीरियर डिज़ाइनिंग की, और आज वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है? इंटीरियर डिज़ाइनिंग पहले जब आया था तब उसका मकसद सिर्फ इतना होता था कि उसके अंदर फर्नीचर किस तरीके से बनेगा, या सिर्फ फर्नीचर की ही बातें करते थे, थोड़ा बहुत कलर। फिर धीरे धीरे उसमें ट्रेंड्स आए कि उसके अंदर कलर्स कैसे हम अच्छे यूज़ करें ताकि वो बहुत अच्छा हो जाए। फिर कुछ समय बाद एक ऐसा ट्रेंड आया जिसके अंदर वो सभी चीज़ों की भरमार, मतलब खूब पैसा लगाया हुआ हो, खूब सारा फर्नीचर बनाया हुआ हो, तो वो बहुत अच्छा इंटीरियर है। फिर धीरे धीरे उसके अंदर कॉन्सेप्चुअलाइजेशन आने लग गया। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन जिसे ये बोलते हैं कि हम किस कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहे हैं, हमको किस चीज़ों को कितने अनुपात में यूज़ करना पड़ेगा, द रेशियोस ऑफ डिज़ाइंस, कि किस हमको अगर कोई चीज़ बनाने जाते हैं तो उसके अंदर हमको वो तभी अच्छा फील कराती है जब वो सारे रेशियोज में अच्छा हो। सर, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, बहुत सारे लोग कहते हैं, बात करते हैं कि इफ़ यू वांट टू बी गुड इंटीरियर, अगर आपको अपने घर का जो इंटीरियर है वो बेहतर चाहिए तो उसके लिए आपको बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, या फिर एक नॉर्मल फंड्स में भी, एक नॉर्मल अमाउंट में भी आप अपने घर को खूबसूरती से सजा सकते हैं? देखिए, ऐसा है इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर जब इंटीरियर डिज़ाइनर्स काम करते हैं, और मतलब ज़रूरी नहीं है कि उनके पास में हर समय बहुत पैसा हो, इंटीरियर डिज़ाइनर हायर ही इसीलिए किया जाता है कि वो मतलब हमारे क्लाइंट्स का जो पैसा है वो सही तरीके से यूज़ कर दे। मतलब जिसके अंदर हमने अच्छी डिज़ाइंस तो रखी, साथ ही साथ उसके पैसे का भी ध्यान रखा कि हमने उन दोनों को मर्ज करके वेरी प्रेजेंटेबल, मतलब जब चीज़ हम उसको देते हैं तो हम कई बार बोलने में आता है कि रुपया सवाया में चल जाएगी, या द एम्बियंस व्हाट वी हैड गिवन हैज़ कम अप टू द मार्क और बियॉन्ड द मार्क्स, तो देन द इंटीरियर डिज़ाइनिंग इज़ डूइंग, डिज़ाइनर इज़ डूइंग अ कम्प्लीटली गुड वर्क। पर हम उसको तभी अच्छा भी मानते हैं कि देखो पैसे का अच्छा यूज़ करा और आज हमको बहुत प्लेजेंट लग रहा है, हर जगह हम हर चीज़ को वॉव फैक्टर्स में ला के दे पा रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि हर इंसान की अलग मेंटालिटी होती है, अलग सोच होती है, हर चीज़ को देखने का नज़रिया अलग होता है, तो क्या उस इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि जिसका घर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका इंटीरियर कैसा होना चाहिए? तो कितनी रिसर्च आपको करनी पड़ती है, या फिर आज के ज़माने में सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए, उस चीज़ को समझने के लिए कितनी रिसर्च करनी पड़ती है आपको इंसान के ऊपर, उसकी मेंटालिटी के ऊपर? जिसका हम काम कर रहे हैं उस इंसान को तो हमको बहुत जज करना पड़ता है, पर एज वी नो द सब्जेक्ट मोर,
तो हमको उसको लाइफस्टाइल भी देनी होती है. कई बार क्या होता है, हम जिन लोगों का काम कर रहे होते हैं वो फर्स्ट टाइम इंटीरियर डिज़ाइनिंग करा रहे होते हैं और उनके घर को, तो उनको भी बहुत नॉलेज नहीं होता है उस चीज़ का, या फिर वो उस लेवल ऑफ टाइम से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए लाइफ में आगे आ रहे हैं जिसमें उन्होंने धीरे धीरे अर्निंग करी है, नाउ दे आर एबल टू डू समथिंग गुड इनटू देयर हाउस. तो लाइफस्टाइल चेंजर है हम लोग. मतलब क्या होता है, एक आदमी किस तरीके से अभी तक जीवन जी रहा था, फिर हमने उसको सब चीज़ सिंक्रोनाइज करके दी, उसको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें ऐसी बनाकर दी कि उसका अब रोज अपने आप को रेडी करने में भी कम टाइम लग रहा है. इनोवेट जो वो अपना काम करता है, जो भी बिजनेस करता है, उसके अंदर वो ज़्यादा ध्यान दे पा रहा है और उसकी हर चीज़ बहुत परफेक्ट बनी हुई है. तो क्या होता है, घर में वो फैमिली को भी उतना ही टाइम दे पा रहा है क्योंकि उसको मालूम है कि ये जगह पर जब मैं जाता हूँ तो मेरे को मेरी पूरी फैमिली मिल जाती है और इस जगह मैं अपने खुद को, अपने टाइम को, पर्सनल टाइम को एंजॉय कर सकता हूँ, या एक स्टडी टेबल पर बैठ के मैं अब बहुत कंफर्टेबली काम कर पा रहा हूँ, या मैं मंदिर में बैठ के बहुत अच्छी पूजा कर पा रहा हूँ, या उनकी जो घर की सबसे बड़ी मम्मी होती हैं उनको लगता है कि अब मेरे को फील हो रहा है कि मेरे को जो फ्रेशनेस चाहिए थी घर में वो मुझे मिल पा रही है. सो इट्स ऑल अबाउट द मेंटालिटी और जो एम्बियंस आप अडॉप्ट करते हैं सारी चीज़ों से, उनकी मेंटालिटी से, और जब वो उनके सामने प्रेजेंट करते हैं तो ऑफकोर्स इट्स अ वेरी ग्रेट मोमेंट. एंड आई हैव सीन मेनी पीपल जो काफ़ी टाइम इमोशनल हो जाते हैं अपने घर को देख करके, हमने कभी सोचा भी नहीं था जो काम आपने कर दिखाया. एंड ऑफकोर्स बहुत सारे मोमेंट्स आपकी भी लाइफ में आए होंगे, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली लाइटिंग्स के बारे में. तो लाइटिंग्स एक ऐसी चीज़ है जो बहुत टाइप की होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, मूड लाइटिंग्स होती है, कलर लाइटिंग्स होती हैं. तो आपके हिसाब से ऐसी कौन सी यूनिवर्सल लाइट्स हैं जिनका इस्तेमाल हर किसी एटमॉस्फेयर में, हर किसी इंटीरियर डिज़ाइनिंग में हो सकता है? सबसे सिंपल लाइट होती है कि हम लाइट्स का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हमें हर चीज़ प्रकाशमय दिखे. मतलब हम कोई भी एरियाज़ को डल कॉर्नर्स में न गिन पाए. पर अब चूंकि धीरे 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 ट्रेंड्स चेंज हो रहा है तो लाइट्स का भी ट्रेंड बहुत बदल रहा है. हम कई बार ये सोचते हैं कि यार पूरा कमरा एनलाइटेड रहे और हमको सब कुछ दिखे. कई बार ऐसा फील होता है कि वो मूड के साथ चेंज हो जाए कि उसके अंदर हमने कुछ डिफ्यूज़ लाइट्स वॉल पे दिए हुए हैं या कुछ आर्टिफैक्ट्स के ऊपर लाइट्स दिए हुए हैं और हमारे ऊपर कम लाइट आ रहा है. हमको उससे मतलब उन सब चीज़ों को हम पूरे रूम को एक तरह से विजुअल इम्पैक्ट पे देख भी पा रहे हैं, पर साथ ही साथ हम उसका एक ग्रेसफुल प्रेजेंटेशन हमारी आँखों को दे रहे हैं. तो सबसे पहले एडमायर तो हमारी आँखें ही करती है किसी भी जगह को. तो कई बार हम कई जगह पर जाते हैं, बहुत ज़्यादा एनलाइटेड रहता है तो हम फील गुड नहीं करते हैं, और कई बार हम उसी जगह पर जाते हैं और बड़ी ही स्मार्टली किसी लाइट्स को यूज़ किया हुआ रहता है तो हम फील करते हैं अरे ये तो बहुत ही अमेजिंग स्पॉट है. सो जैसे अगर हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं वो लैम्प्स ले आते हैं, लाइट्स ले आते हैं घर को सजाने के लिए, लेकिन उन्हें प्रॉपर पता नहीं होता कि इसे कहाँ पर प्लेस किया जाए, तो वेल आपके हिसाब से ऐसे कौन कौन से मेजर पॉइंट्स होते हैं, आर्टिफैक्ट्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे स्कल्पचर्स बोल दो जो आपके घर में आप सजाते हैं, तो किन चीज़ों पर लाइटिंग ज्यादा होनी चाहिए, लाइट का फोकस होना चाहिए, और इसी कौन कौन सी जगह जहां पर लाइटिंग ना हो तो बेहतर लगता है वो चीज? मतलब क्या होता है, फोकल पॉइंट्स होते हैं हर रूम के अंदर. हम कई बार देखते हैं कि कुछ पेंटिंग्स हैं वो फोकल पॉइंट्स बनी हुई हैं, तो कुछ बहुत स्मार्ट स्कल्पचर है या आर्टिफैक्ट है तो वो फोकल पॉइंट बना हुआ है. तो कई बार क्या होता है कि हम उस रूम में एंटर कर रहे हैं, उन फोकल पॉइंट्स के ऊपर हमने लाइट डाला हुआ है तो वो हमको बड़ा, क्योंकि हमारा हम ग्रास्प उन चीज़ों को बहुत जल्दी करते हैं जो बहुत सुंदर हैं, हमारी आँखें एकदम उसी तरफ डाइवर्ट हो जाती है. तो एकदम से जब फील गुड का फैक्टर आता है उनको देखकर हमको बहुत अच्छा लगता है. अब कई जगह पर डल कॉर्नर्स होते हैं, डल कॉर्नर्स वहाँ कुछ होता ही नहीं है और हम उसको एनलाइट करके रखते हैं तो अननेसेसरी स्पेस प्रोवाइड कर देता है और जिसपे हमको फोकल करना है वो नहीं आ पाता है. तो नो डाउट, मतलब उसका भी टाइम पीरियड होता है, हमको किसी को इम्प्रेस करना है हमारे जगह से तो हमको फोकल पॉइंट्स पे जाना पड़ेगा, और हमको किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, हमको खुद ही बैठना है तो हमारे लिए वो एक सिंगल लाइट भी काफ़ी है जो शायद मेरे कैबिन के अंदर भी जो मैं मोस्टली मैं जला के रखता हूँ. ये लाइट्स जो सब हैं ये सिर्फ अब कई बार मुझे ही ड्राॅइंग्स पर डिस्कस करना होता है तो ये एक लाइट में ऑन कर देता हूँ तो हमारा ध्यान सब जगह से हट के इस टेबल पर आ जाता है एंड वी आर नॉट एबल टू सी द थिंग्स अराउंड, सो वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द थिंग्स. फिर उसके बाद हमको उस जगह से हटना होता है और हमको देखना होता है, बातचीत करनी होती है तो हमारे लिए दो तीन लाइट्स काफ़ी होती है जिसके अंदर हम एक दूसरे को देख पाते हैं. और कई जगहें ऐसी होती है जहाँ पर हमको एक दूसरे को देखना नहीं होता है, फील करना होता है जगह को. तो आपने कई बार देखा होगा कि वॉल्स को इल्यूमिनेट करा हुआ है, वॉल्स डिफ्यूज़ हो रही है लाइट से, हमको हमारे चेहरे भी प्रॉपरली नहीं दिख रहे हैं पर हम उस टाइम को रात को बहुत एंजॉय करते हैं. तो ये सब मूड्स हैं, टाइम है कि हम किस जगह कितनी कितनी लाइट यूज़ करें, पर हमें प्रोविजंस हर लाइट का देना पड़ता है. स्मार्टली
ट्रेंड्स के अंदर ये होता है कि हम लाइट्स को जब यूज़ करते हैं तो कई बार हमको मेंटेनेंस लाइट भी देनी होती है। कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर हमको कुछ लाइट से प्ले किया और कुछ मेंटेनेंस लाइट डाली, मतलब जब हम उसकी साफ़ सफाई कर रहे हैं तो हमको वो चीज़ें बहुत क्लियर दिखे। कई बार नेचुरल लाइट की भी कमी होती है। स्मार्ट तो वो भी होता है कि हम नेचुरल लाइट को भी कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सारी आर्टिफिशियल लाइट्स घर में यूज़ कर रहे हैं, पर नेचुरल लाइट का यूज़ करना भी अपने आप में वो तरीका भी आना चाहिए कि हमारे घर में हमको अगर ऐसा फील होता है कि शाम को 7 बजे तक, सुबह 7 बजे से अगर लाइट ऑन नहीं करनी है, तो वो टाइम भी हमें मतलब उसको पूरा यूज़ करते आना चाहिए उस नेचुरल लाइट को। तो घर बनाते समय हमको उसका भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि एक घर में हम लाइट ही ऑन नहीं कर रहे हैं। जैसे मेरे इस ऑफिस के अंदर भी मेरे को मतलब शाम को 7 बजे तक लाइट ऑन नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मैंने सराउंड लाइट का यूज़ बहुत अच्छा कर रखा है। मतलब इतनी खूबसूरती के साथ और इतने अच्छी प्लानिंग के साथ इसे बनाया गया है कि जब तक शाम के 7 न बज जाएँ तब तक आपको लाइट चालू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पूरा कमरा ल्यूमिनेट रहता है। वेल सर, जैसे अगर हम बात करें इंस्पिरेशन की, तो हर किसी का काम करने का अपना एक नज़रिया होता है, एक स्टाइल होता है। तो आपको, बिकॉज हम देखते हैं कि बहुत सारे इंटीरियर पीस हैं जो फॉरेन में है, आउट ऑफ दिस कंट्री है, जो हमें इंस्पायर करते हैं, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत है, तो आपकी वर्किंग स्टाइल में ऐसा कौन सा कल्चर है जिसका प्रभाव सबसे ज़्यादा है और आप उस टाइप के इंटीरियर डिज़ाइनिंग से बड़े इंस्पायर्ड होते हैं? मैं जब वर्किंग में आया था तब मुझे मतलब हर जगह को मैं सर्च कर रहा था, पर कुछ सालों से मैं लगातार इटली जाता हूँ जहाँ पर डिज़ाइनर्स हैं, जो मैं कहता हूँ कि कंट्री ऑफ डिज़ाइनर्स है। वहाँ पर तरह तरह के डिज़ाइनर्स हैं जो क्लोथिंग्स में हैं, कोई बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो वो उस सब्जेक्ट पर इतना इंटेंस वर्क कर चुके हैं कि उन लोगों ने हमें एक जो हमारे यहाँ इंडियन कल्चर के अंदर क्लासिकल डिज़ाइन बहुत इन था, जो मतलब उससे हमको हटकर उन्होंने स्ट्रेट लाइन कंटेम्प्रेरी वर्किंग के ऊपर काफ़ी कुछ सिखाया। तो वो बड़ी सिंपलिसिटी से अपनी डिज़ाइंस को डालते हैं जो काफ़ी मतलब फंक्शनल होती हैं, और हम जब उसको यूज़ करते हैं तो पता चलता है कि हमने उसके अंदर इतना पैसे का भी इनपुट नहीं कर रखा है। वो स्ट्रेट लाइन होने के कारण सदाबहार है। तो वो जब से आई एम गोइंग टू इटली एवरी ईयर, तो वो वहाँ से मुझे काफ़ी सीखने को मिला, एंड आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय दैट कंट्री। क्या बात है सर, और मुझे लगता है कि हम सभी को कहीं ना कहीं, हम सबका सपना होता है कि अपने घर को इस तरह से सजाएं कि वो यूनिक बन जाए, वो जो अंदाज़ है वो सदाबहार हो जाए। तो वेल सर, आपके हिसाब से एक ऐसी टिप जो हमारे सारे व्यूवर्स तक आप पहुंचाना चाहता है, जो कॉमनली वो हर कोई अपने घर में इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो लाइटिंग्स में हो या फिर किसी चीज़ को पोजिशन करना, तो आपकी तरफ से हमारे सारे व्यूवर्स के लिए एक क्या यूनिवर्सल इंटीरियर डिज़ाइनिंग टिप देना चाहते हैं? सबसे अच्छी टिप तो ये रहेगी, पहले अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनर आप चूज़ करें जिसको इसका नॉलेज अच्छा हो। वेल जोक्स अपार्ट, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप संयोजन कलर का अच्छा करें। क्या होता है, सूदिंग वही लगता है जो सब हर समय अच्छा लगे। हर समय अच्छा लगने के लिए हमें मैं किसी कलर को बुरा नहीं बोलता, एवरी कलर हैज़ गॉट इट्स ओन चार्म, पर उसका यूज़ बड़ा ही परफेक्शन के साथ होना चाहिए, तभी हमको वो फील गुड फैक्टर आता है। तो आप नेचुरल लाइट का यूज़, आर्टिफिशियल लाइट का यूज़ और फिर कुछ कलर्स का यूज़ ऐसा करें जिससे घर सुंदर लगे, हर समय अच्छा लगे वो घर अच्छा। जो टेम्प्ररीली अच्छा लगे वो तो मतलब कोई टेंट हाउस वाला भी फलाने दिन के लिए कर देता है, लेकिन हमें घर हर समय घर जैसा लगना चाहिए। घर मतलब होटल जैसा भी नहीं लगना चाहिए, तो उसके अंदर भी हमको कई जगह डिज़ाइंस को रोकना पड़ता है। कई जगह डिज़ाइंस को सिर्फ इसलिए रोक देना पड़ता है कि ये घर बन रहा है ना कि होटल बन रही है, कि ताकि एक्स्ट्रा ओवर लाइटेड या कोई कॉर्नर्स के ऊपर ओवर डेकोरेशंस, ये सब ना यूज़ करते हुए सिंप्लीफाइड में हर रूम के अंदर सिर्फ एक या दो फोकल पॉइंट्स बनाएं, तो आपके घर को सुंदरता 100% मिलेगी। क्या बात है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे व्यूवर्स के भी एक्सप्रेशन देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चाह रहे हैं कि और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आए आपके थ्रू हमारे सारे व्यूवर्स तक, लेकिन क्या करें, समय की पाबंदी है, यहां से जाना पड़ेगा। लेकिन सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, एंड आपने जितने भी फंडे बताए हैं आई एम श्योर दैट हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं वो जरूर अपनाने वाले हैं। आई एम श्योर दैट इन फ्यूचर में मिलकर हम ऐसी बहुत सारी टिप्स देने वाले हैं जिससे हमारे व्यूवर्स हैं वो अपने घर को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। वेल थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच सर। सो गाइज, अभी टाइम हो गया है मेरा यहाँ से कल्टी मारने का, लेकिन मैंने अपना काम यहाँ पर खत्म किया है, आपका काम शुरू होता है। आप भूल गए हैं कि आपका काम क्या है। अरे भैया, फीडबैक कौन देगा? तो सबसे पहले जाइए, हमें फीडबैक दीजिए onfeedbackyou@gmail.com पर। और अगर आपको हमारे कोई भी शोज मिस कर दिए हैं या फिर अगर आपको बार बार देखने हैं, तो सीधे जाइए यूट्यूब पर, बस एक कीवर्ड टाइप करें, दैट इज hatchpbtvyuva, सारे शोज आपके सामने होंगे, आप उन्हें इंजॉय कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फेसबुक पर जाएं,
HBTV UR टाइप करें, आपके सामने ऑफिशियल पेज आ जाएगा विद द लेटेस्ट लोगो, उसको लाइक करें और साथ में आपके जितने भी ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं उन्हें भी इनवाइट करें ताकि वो उस पेज को लाइक करें. सो ऑन दिस नोट, दिस इज योर विजय कुशाग्रे साइनिंग ऑफ विद अ वेरी टैलेंटेड कैमरा पर्सन मिस्टर मनीष राव जागा जी. बट यू गाइस कीप वॉचिंग HBTV UR, क्योंकि जमाना है वी द यंगस्टर्स का.